हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुणास किचन। कढ़ी तो बहुत सारी अलग अलग तरह की बनती है। पकोड़ा कढ़ी, टपका कढ़ी, गुजराती कढ़ी, काठियावाड़ी कढ़ी। कढ़ी का एक एकदम नया वर्जन मैं आपके पास लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे बूंदी कढ़ी। तो चलिए बूंदी कढ़ी बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/4 टीस्पून हींग, 3 लौंग, 1 टीस्पून ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, गुड़, 3 कप खट्टा छाछ, धनिया, 3 टेबलस्पून बेसन या फिर चने की दाल का आटा और 1/2 कप बूंदी। तो चलिए बना लेते हैं बूंदी कढ़ी। यहाँ पे मैंने जो छाछ लिया है उसको गर्म करके लिया है। अभी ये छाछ में चने की दाल का आटा ऐड करेंगे, हल्दी, सॉल्ट, हींग, ग्रीन चिली और जिंजर का पेस्ट, और अभी सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से मिला के मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। चलिए अभी कढ़ी में तड़का लगा लेते हैं। एक पैन लिए, फ्लेम ऑन किए, ऑयल ऐड करेंगे, राई क्रेकल होने देंगे। राई को, राई क्रेकल हो गई है, जीरा ऐड करेंगे, मेथी, लौंग, और ये जो छाछ का मिक्सचर है वो ऐड कर देंगे। हिला लेंगे, कंटिन्यूस थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, नहीं तो हमारा छाछ फट जाएगा। मैंने जो छाछ लिया था वो काफी थिक था, थोड़ा सा पानी डालेंगे अभी इसमें। 1 कप जितना पानी डाला है मैंने, हिला लेंगे। अभी ये कढ़ी को 4 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लेंगे, हिलाते रहेंगे बीच में। कढ़ी को मैंने 4 मिनट तक अच्छे से बॉईल कर लिया है, बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है कढ़ी की। गुड़ डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। अभी ये कढ़ी पे और एक तड़का लगाएंगे, फ्लेम ऑफ कर लेंगे, इसको नीचे ले लेंगे और तड़के की प्रिपरेशन कर लेंगे। कढ़ी पे दूसरा तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3 सूखी लाल मिर्ची, 8 से 10 कड़ी पत्ते के पार, 1 टेबलस्पून गार्लिक को फाइनली चॉप करके ले लिया है। अगर आप खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं तड़का। एक पैन लिए, फ्लेम ऑन किए, घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे घी को। घी गर्म हो गया, गार्लिक ऐड करेंगे, सूखी लाल मिर्ची, कड़ी पत्ते के पान, भून लेंगे थोड़ा सा। सेक लगे थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर डालेंगे, फ्लेम ऑफ कर लेंगे और तड़के को कढ़ी पे पोर कर लेंगे। अभी ये तड़के को कढ़ी पे पोर कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी इसमें बूंदी ऐड कर देंगे, मिला लेंगे। जब भी हमें खाना खाने बैठना है तभी हमें बूंदी डालना है, पहले से डाल के नहीं रखना है। धनिया डालेंगे, फ्लेम ऑफ कर लेंगे। हमारी कढ़ी प्रिपेयर हो गई है, अभी इसे सर्व कर लेंगे। कढ़ी को मैंने बाउल में ले लिया, थोड़ा सा बूंदी रखेंगे ऊपर,
धनिया रखेंगे। हमारी बूंदी कढ़ी प्रिपेयर हो गई है। इसको हम राइस के साथ तो सर्व कर ही सकते हैं, इसके अलावा गेहूं की चपाती, ज्वार बाजरे की भाकरी के साथ भी ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो रेडी है हमारी बूंदी कढ़ी। तो फ्रेंड्स, एकदम सुपर डिलीशियस और सुपर टेस्टी ऐसी हमारी बूंदी कढ़ी प्रिपेयर हो गई है। ये बूंदी की कढ़ी बनाते वक्त ध्यान रखने जैसी बात कि हमें छाछ खट्टा लेना है, इससे कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमने जो बूंदी ली है वो नमकीन वाली बूंदी ली है। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी ऐसी बूंदी कढ़ी आप जरूर बनाना, आपकी रिव्यूज मुझे जरूर बताना, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।